सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ असान, ए के ए बी ऑसम। सो गाइस, हाजिर हूँ बी टॉक्स के साथ कुछ मजीद और मजेदार न्यूज को लेकर। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहली न्यूज हमारे पास वो ये कि रिसेंटली व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी हुई अपडेट, जिसके बाद एक एप्लीकेशन के ऊपर यूजर्स का सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, वो है सिग्नल ऐप। और सिग्नल ऐप के ऊपर जिस तरह यूजर्स का ट्रैफिक आया, और बेसिकली बात करें जाए कि काफी लोग डाइवर्ट हुए जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कंसर्न करते थे व्हाट्सएप के थ्रू सिग्नल के ऊपर। तो गाइस, हुआ ये कि रिसेंटली सिग्नल ने हिट कर दिए हैं 1 मिलियन प्लस यूजर्स के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली सिग्नल की ऑफिशियल रिपोर्ट आई कि सिग्नल ने हिट कर दिए हैं 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स के ऊपर, जो रिसेंटली व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट है उसके बाद काफी यूजर डाइवर्ट होगा सिग्नल की तरफ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म की तरफ। तो उसके बाद सिग्नल एप्लीकेशन को काफी लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी रीजंस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक्सेट्रा, और काफी चीजों की और वजूहत है जिसकी बिना पर इसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है यूजर्स की जानिब से। तो रिसेंटली मुबारकबाद हो भाई सिग्नल्स को कि उन्होंने रिसेंटली 1 मिलियन यूजर्स को हिट कर लिया है। तो गाइस, बेसिकली अब ये बात ईजी टू अंडरस्टैंड है कि भाई अनकरीब ये और यूजर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाएंगे, और ये सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स जो हिट हुए ये दौरान एक हफ्ते के दरमियान ही हुए हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आई है। तो गाइस, आप देखते हैं कि आने वाले वक्तों में और कितने मिलियंस यूजर्स हिट होते हैं सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। सो गाइस, अगली न्यूज है हमारे पास वो ये कि इस पे काम करते हैं और जो लोग बेसिकली टेक इंडस्ट्री से हैं या जिनका ताल्लुक मार्केटिंग सेल्स से हैं, वो एक सॉफ्टवेयर से वाकिफ होंगे बेसिकली, जिनका नाम है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स लीडिंग CRM सिस्टम है, जो कि CRM की बात की जाए तो CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, जिनका काम होता है कि वो सेल्स, मार्केटिंग, ईमेल्स, लीड्स, फॉलोअप, लैंडिंग पेजेस, ईच एंड एवरीथिंग के लिए काम किए जाते हैं CRM के थ्रू। तो गाइस, उसने रिसेंटली एक्वायर कर लिया स्लैक सॉफ्टवेयर को। स्लैक सॉफ्टवेयर जो कि एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है फॉर द प्रोजेक्ट मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस की बात तो नहीं करूंगा, मैनेजमेंट की बात करूंगा, फॉर द कम्युनिकेशन, जहां पर चैनल्स, ग्रुपिंग और वहां पर फाइल शेयर होती है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। स्लैक को एक्वायर कर लिया है सेल्सफोर्स ने, और बेसिकली ये 8वीं बड़ी टेक एक्विजिशन मानी जा रही है। बेसिकली इसको एक्वायर करा है सेल्सफोर्स ने, स्लैक को एक्वायर करा है 27.7 बिलियन के अंदर। तो गाइस, काफ़ी बड़ी एक्विजिशन है ये, और काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसको एक्वायर किया गया, यानी कि खरीदा गया है सेल्सफोर्स ने स्लैक को। सो गाइस, अगली न्यूज हमारे पास कि जिस तरह सिग्नल एप्लीकेशंस के ऊपर ह्यूज ट्रैफिक आता जा रहा है और यूजर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसके साथ साथ रिसेंटली फ्राइडे मॉर्निंग को एक इशू फेस आया सिग्नल के अंदर, कि सिग्नल आउटरीच का मसला आ गया। वहां पर के लोगों को इशू फेस आ रहा था मैसेजेस को लेते हुए और एप्लीकेशन एक्सेस को लेते हुए, लेकिन ये इशू 24 आवर्स के अंदर ही रिजॉल्व कर दिया गया बेसिकली। लेकिन इसके बाद भी यूजर्स को मसले पेश है कि उनके जो मैसेजेस हैं वो रिस्टोर नहीं हो पा रहे, और बेसिकली जो मैसेजेस उस दौरान लोगों ने उनको भेजे वो उनको मौसूल नहीं हो रहे। तो बेसिकली ये मसला पेश आया कि उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट में कहा भी कि काफ़ी यूजर्स ने हिट करा वहाँ पर, तो जिसके बरक्स हुआ ये कि आउटरीच हो गया ये वाला, उसके साथ साथ हमने इसको रिकवर कर लिया है और आपको फिक्सेस दे दिए हैं। लेकिन फिक्सेस के अंदर जो कुछ मैसेजेस उस दौरान आए उस 24 आवर्स के, वो यूजर्स तक नहीं पहुँचे और कुछ यूजर्स को अभी भी इशू पेश आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली आप लोगों को सिंपली जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनको टैप करना है ऊपर जाकर, यानी कि जो एप्लीकेशन है उस पर, और टैप करने के बाद आपको कर देना है रीसेट सिक्योर सेशन, और जो एप्पल यूजर्स यानी कि iOS यूजर हैं उनको सिंपली वहां पर उसी टैप के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर रीसेट सेशन कर लेना है। तो गाइस, बेसिकली अगर आपको तब भी वो इशू फेस आ रहा है तो उन्होंने बोला आप वेट करें संडे तक का, आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये की चीज़ कही कि जो मैसेजेस आपको नहीं मिले रीसेट सिक्योर सेशन करने के बाद भी, तो वो आपको अनकरीब जो अगली फिक्सेस है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सब्र रखिए क्योंकि एटलीस्ट काफ़ी यूजर्स का ट्रैफिक अब इंक्रीज हो रहा है सिग्नल की जाने। गाइस, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मजीद और मजेदार न्यूज़ को लेकर। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।